फ्रेंड्स वेलकम है आपका फूड टेक चैनल आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स जो है मैं सुरेंद्र सिंघन हूँ और मैंने मास्टर केमिस्ट्री में किया हुआ है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है। मुझे 35 ईयर एक्सपीरियंस डेयरी बेवरेज एंड फूड का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है। फ्रेंड्स मैं मल्टीनेशनल कंपनी का पी एफ ए नॉमिनी भी रहा हूँ और मैं मल्टीनेशनल कंपनी का फूड सेफ्टी डील ऑडिटर भी रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने जो है सर्टिफाइड एग्मार केमिस्ट हूँ और मैंने 25 साल घी ग्रेडिंग की है। फ्रेंड्स मैं आज आपको वीडियो लाया हूँ, टॉपिक है मेरा एग्मार क्या है और एग्मार की घी ग्रेडिंग कैसे करते हैं, एग्मार घी हमारा कितना प्योर है और कितना उसमें कमी है। दोस्तों एग्मार की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्क, जैसे आईएसआई मार्क होता है अन्य प्रोडक्ट पे, कहीं हॉल मार्क होता है ज्वेलरी वगैरह पे, जो हमारे नोबल मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, उनमें हॉल मार्क होता है। ऐसे ही एफपीओ होता है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है हमारा एफपीओ मार्क, ऐसे ही एग मार्क होता है। एग मार्क होता है जैसे घी पर, हनी पर, हमारे मसालों पर। तो हम क्या करते हैं घी ग्रेडिंग में, घी ग्रेडिंग करने के लिए क्या करते हैं, घी ग्रेड तीन तरह के होते हैं। नंबर वन स्पेशल ग्रेड घी, नंबर टू जनरल ग्रेड घी, नंबर तीन स्टैंडर्ड ग्रेड घी। स्पेशल ग्रेड घी में क्या होता है कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड अलग फिक्स हैं, तो उसमें जो है अपीयरेंस जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उसमें हमें जो है स्कोर हाई होना चाहिए, हमारे अपीयरेंस ऑर्डर एरोमा जो है उसका बहुत टॉप होना चाहिए और बिल्कुल पेल येलो और क्रिस्टल क्लियर और टेक्सचर अच्छा होना चाहिए घी का, और अदर घी में थोड़ा सा उनका डिग्रेडेशन है। और इसमें क्या है उनके पैरामीटर भी अलग हैं, जैसे कि केमिकल पैरामीटर में मॉइस्चर होता है हमारा एफ ए पे होता है, और इसमें बी आर रीडिंग होती है, पोलेंस वैल्यू होती है, आर एम वैल्यू होती है, बी टी टेस्ट होता है, और कुछ टेस्ट होते हैं इसमें एडल्ट्रेशन टेस्ट। एडल्ट्रेशन टेस्ट में क्या करना पड़ता है हमको, जैसे कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमें एग्मार इंश्योर करता है कि हमारा घी जो है अच्छे क्रीम या बटर से बनेगा और कोई उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होगी, और वो किसी भी फैट का जैसे कि किसी एनिमल फैट हो या बॉडी फैट हो या कोई अदर ऑयल हो उसकी एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वो हमें इंश्योर करना है। और इसलिए वो बी टी टेस्ट तो करते हैं, बी टी और भी पी ए टेस्ट वगैरह भी उसमें हैं मैंडेटरी, मगर वो कुछ पैटरी वाले सप्लायर उसमें पैटरी मैनुफेक्चर नहीं कर पाते उन टेस्टों को, तो उनको जो घी इंश्योर करना है कि हमारा जो क्रीम है जो मिल्क आया हुआ है मिल्क शुद्ध होना चाहिए और हमारा क्रीम बटर सारे शुद्ध होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, समझें और आपको अच्छी लगे लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी वीडियो को जो है अगर सब्सक्राइब अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, सी यू अगेन।